आज प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अपने स्ट्रेटेजिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन हुआ, यह हमारे लिविंग ब्रिज को और मजबूती देगा। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकता लागू हुआ, आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। Friends, in my meeting with Prime Minister Albanese today, we talked about taking Australia-India Comprehensive Strategic Partnership to greater heights in the next decade. We had detailed discussions on scope for cooperation in new areas. Last year, the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement came into effect. Today, we have decided to focus on Comprehensive Economic Cooperation Agreement. This will further strengthen our economic partnership and open up new avenues for cooperation. Mining aur critical minerals ke kshetra mein apne strategic sahyog ko aage badhane par sakaratmak charcha hui. Renewable urja mein sahyog ke liye humne thos areas ki pehchan ki. Green hydrogen par एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया। कल ऑस्ट्रेलियाई सीईओ से विभिन्न एरियाज में निवेश को लेकर मेरी उपयोगी बात हुई और आज मैं बिजनेस राउंड टेबल में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट तथा टेक्नोलॉजी सहयोग पर बात करूंगा। We had constructive discussions on strengthening our strategic cooperation in the sectors of mining and critical minerals. We identified concrete areas for cooperation and in renewable energy sector. We have decided to set up a task force on green hydrogen. Yesterday, I had useful discussions with Australian CEOs on investments in different areas. And in business roundtable today, I will discuss cooperation in trade, investment and technology. आज माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन हुआ, यह हमारे लिविंग ब्रिज को और मजबूती देगा। जैसे कि मैंने कल घोषणा की थी, लगातार बढ़ते संबंधों की गहनता के लिए हम जल्दी ही ब्रिस्बेन में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे और जैसे आपने भी बेंगलुरु की घोषणा की है। टुडे We signed the Migration and Mobility Partnership Agreement. This will further strengthen our living bridge. As I announced yesterday, for our continued deepening relationship, we will soon open a new Indian consulate in Brisbane, just as Australia has announced opening a new consulate in Bengaluru. Friends, Australia mein mandiron par hone wale hamlon और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो
ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी एंड आई हैव इन द पास्ट डिस्कस द इश्यू ऑफ अटैक ऑन टेंपल्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड एक्टिविटीज ऑफ सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स। वी डिस्कस द मैटर टुडे आल्सो अगेन। We will not accept any elements that harm the friendly and warm ties between India and Australia by their actions or thoughts. I thank Prime Minister for the actions that have already been taken. Prime Minister Albanese has once again assured me today that he will take strict actions against such elements in the future also. Friends, Bharat-Australia sambandhon ka paripeksh keval हमारे दो देशों तक सीमित नहीं है, यह क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और विश्व कल्याण से भी जुड़ा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री अल्बनीज़ के साथ हिरोशिमा में क्वाड समिट में हमने इंडो पैसिफिक पर भी चर्चा की। फ्रेंड्स, द स्कोप ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज is not limited to merely our two countries. It is also linked to regional stability, peace and global welfare. A few days ago, in Quad Summit in Hiroshima with Prime Minister, we discussed Indo-Pacific issues. Bharat-Australia sahyog global south ki pragati mein bhi labhkari ho sakte hain. Vasudhaiv Kutumbakam ki bhartiya parampara जो पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी का मूल मंत्र है। G20 में हमारे इनिशिएटिव्स पर ऑस्ट्रेलिया के समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेशन कैन बी बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल साउथ ऑल्सो। The Indian tradition of Vasudhaiv Kutumbakam that views the entire world as one family is the central theme of India's G20 presidency. I thank Prime Minister Albanese from the bottom of my heart for Australia's cooperation for our G20 initiatives. Friends, इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस समय आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आई इनवाइट प्राइम मिनिस्टर अल्बनीजी एंड ऑल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस टू इंडिया फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप दिस ईयर। एट दैट टाइम यू विल ऑल्सो गेट टू सी द ग्रैंड सेलिब्रेशंस ऑफ दिवाली इन इंडिया। एक्सलेंसी, इस साल सितंबर में G20 समिट के लिए आपका फिर से भारत में स्वागत करने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंसी, आई एम एक्साइटेड टू वेलकम यू अगेन इन इंडिया फॉर द G20 समिट इन सितंबर दिस ईयर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।